तो जिस तरह से नवरात्रे पूरे देश भर में मनाए जा रहे हैं और उसी के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी नवरात्रों में भारी रश जो है वो मंदिरों में देखा जा रहा है। जगह जगह जितने भी मंदिर है वहां पर श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर सांबा जिला की बात करें तो हमने सांबा जिला से भी आपको इन नवरात्रों के बारे में अवगत कराया, यानी पहले नवरात्र थे, हमारी ये कोशिश थी कि जेके मीडिया के माध्यम से आपको माता रानी के दर्शन करवाए जाए। और सबसे पहले हमने आपको चिची देवी जी के दर्शन करवाए और उसी के साथ साथ जिस तरह से कई जगहों पर रामलीला का आयोजन जो है वो किया गया है और हमने आपको रामलीला की भी कुछ झलकियां आपको जेके मीडिया के माध्यम से दिखाई। और आज हमारी ये कोशिश थी कि आज जिस तरह से सातवां नवरात्र है तो सातवें नवरात्र पर आपको माता रानी की कुछ भेंटें जो है वो सुनाई जाए। और आज मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू की फेमस सिंगर श्रुति शर्मा जी, आज इनसे कुछ माता रानी की भेंटें भी सुनेंगे और उसी के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में माहौल जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपको हम साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि जगह जगह मंदिरों में जो है वह भारी रश देखा जा रहा है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माथा टेकने के लिए और बाजारों में भी काफी भीड़ जो है वो अब उमड़ना शुरू हो गई है क्योंकि ये एक फेस्टिव सीजन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो आइए श्रुति शर्मा जी से बात करते हैं कि किस तरह से इन नवरात्रों को देखते हैं और उसी के साथ साथ इनसे कुछ भेंटें भी जो है वो आज सुनने की कोशिश करेंगे माता रानी जी की। जिस तरह से नवरात्रों की शुरुआत हुई है, पहले नवरात्र से लेके आज सातवां नवरात्र है, तो किस तरह से देख रहे हैं इन नवरात्र को और आपका भी काफी बिजी शेड्यूल होगा कि जागरण जो है वो माता रानी के जगह जगह पर किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी ऋषि जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जेके मीडिया चैनल का। उसके बाद आज सातवां नवरात्र है तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो माहौल कोई खराब है या कुछ भी, ऐसा कोई भी माहौल खराब नहीं है। हमारे रोजाना जागरण जो है वो चल रहे हैं और रामलीला की अगर बात करूँ तो वो जगह जगह पे रामलीला भी हो रही है। अगर ऐसा कोई माहौल खराब होने की बात होती तो शायद ये रामलीला वगैरह ना होती। तो माहौल खराब होने की कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो नवरात्रे जो है वो हर जगह पे मंदिरों में घरों में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से हम यहाँ पर इस दरबार में खड़े हैं, पीछे चंडी माता का दरबार जो है वो आप देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है जैसे आप सिंगर हैं और आपको एक मौका मिलता है, एक देन है आपके आपको भगवान की कि आप माता रानी का गुणगान जो है वो करते हैं। और कोशिश भी हम यही करेंगे कि शुरुआत भी यहीं से करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक दो भेंट जो है वो सुनाएं और उसके बाद अगली बातचीत जो है वो करेंगे। जी जरूर। माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं माता रानी का ही भजन आपको सुनाऊंगी। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो बिल्कुल सही कहा कि अगर माता रानी का अगर आप ध्यान करते हैं, अंतर ध्यान होते हैं तो एक सुख मिलता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये पावन दिन होते हैं नौ नवरात्रे, जिस तरह से माता रानी की पूजा की जाती है विधि विधान से की जाती है, क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो कितना उत्साह जो है जम्मू कश्मीर में भी देखा जाता है नवरात्रों को लेकर? जी लगातार नवरात्रे चल रहे हैं, लगातार हमारे जागरण जो है वो हो रहे हैं। तो मैंने जिस तरह से बाहर का जो माहौल देखा है, मंदिरों में भी हमारे जागरण हुए हैं और घरों में भी हो रहे हैं, तो उस तरह का मुझे कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि माहौल खराब है या कुछ भी। नवरात्रे जो है वो लगातार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं घरों में भी और मंदिरों में भी, ऐसा कोई भी माहौल खराब होने की बात नहीं है। तो मैं तो यही मीडिया के माध्यम से ये अपील करूंगी कि आप लोग भी शांति का जो माहौल है वो बनाए रखें ताकि हमारे जो नेट हैं वो
जल्दी से जल्दी चलें, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए कुछ एक आध और भी भजन आपसे सुनना चाहेंगे, और जो व्यूअर्स हैं उनके उनका भी यही रहता है कि अगर आप किसी सिंगर से रूबरू हो रहे हैं तो एक आध भजन जो है वो सुनाया जाए। ऋषि जी गला बहुत खराब है, बुरी हालत है, लेकिन मैं हमारे व्यूअर्स से भी माफी चाहूंगी कि अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ करना। तो जैसे कि मैं भैया ने बताया कि मैं डोगरी सिंगर हूँ, डोगरी में ज्यादातर गाती हूँ, तो अभी मैं आपको डोगरी में सुनाऊंगी। हो चंडी माता आई के दे अस तेरे द्वार, आज सारी दुनिया बुलाई है। चंडी माता आई के दे अस तेरे द्वार, आज सारी दुनिया बुलाई है। हो जुग जुग जिए तेरा कुल वीर लाल, जिस तेरी यात्रा चलाई है। हो जुग जुग जिए तेरा कुल वीर लाल, जिस तेरी यात्रा चलाई है। यात्रा नी चले दीते अस किया होना हाँ, यात्रा नी चले दीते अस किया होना हाँ। पता नहीं हो किन्ने चिर तड़पदे रोना हाँ, हो किन्ने कर तारी छोड़े किता है कमाल, ये तेरी नेक कमाई है। हो चंडी माता आई गे दे अस तेरे द्वार, आज सारी दुनिया पुलाई है। अच्छा मैम ये भी आपसे जानूंगा कि कितना जो रियाज करना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस तरह से नवरात्रे पूरे नवरात्रों में आपका जिस तरह से पूरा शेड्यूल पैक है, तो किस तरह से रियाज करने का वक्त कब मिलता है आपको? रियाज तो भी नवरात्रों में तो मेरा जागरण में ही रियाज होता है, मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि दिन में जो भी मुझे वक्त फैमिली से जो थोड़ा भी वक्त मुझे मिलता है तो उसमें मुझे सोने का होता है कि मैं सो लूँ थोड़ी देर, ताकि रात का जो दोबारा मैं माता रानी की हाजिरी जो है वो अच्छे से लगा सकूं। तो अगर रियाज की बात की जाए तो वैसे रेगुलर अगर रियाज जितना भी आप कर सको उतना ही कम होता है। रियाज चाहो तो आप पूरा दिन करो, रियाज चाहो तो आप, लेकिन मिनिमम अगर आप रियाज की बात करो तो आपको 3-4 घंटे जो है वो रोज का रियाज करना चाहिए। जी जरूर। चलिए एक चंडी माता जी का भजन भी अगर आप दर्शकों को सुनाना चाहें तो। जी अभी वैसे मैंने चंडी माता का सुनाया, एक और सुनाती हूँ मैं। हो जाना पाडर में चेला हो, चंडी मैया दा मेला हो, हो सा मैया नो मिलना है, हो जाई के पूजना सवेला हो। हो पाई साहब जी मचिल मेला, पाई साहब जी मचिल मेला, मचिल बिजली झील मिली, मचिल बिजली झील मिली, पाई साहब जी मचिल मेला, पाई साहब जी मचिल मेला हो। मैम आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहते हैं कि अमन शांति भाईचारा जो है वो बना रहे? जी मैं जेके मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि अगर हम लोग शांति बनाए रखेंगे तो बाहर के लोगों को ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम ही लोग यहाँ पे अशांति फैलाएंगे तो बाहर के लोग तो यही बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो खराब हैं, जम्मू कश्मीर में ना जाओ, और बाकी भी जो रोजाना के हमारे जो काम हैं वो रुकेंगे। तो हम ही लोगों की वजह से जम्मू का माहौल खराब होगा और हम ही लोगों की वजह से जम्मू का माहौल ठीक होगा। सो प्लीज सभी लोग शांति बनाए रखें, और सबसे ज्यादा मेरी लिए है कि जितनी आप लोग शांति बनाए रखोगे उतना ही हमारे नेट जो है वो जल्दी चलेगा, और हमारे जो काम रुके हुए हैं वो जल्दी से जल्दी होंगे। सो प्लीज शांति बनाए रखिए ताकि नेट जो है वो जल्दी से जल्दी चलें। हमारे भजन की ही बात नहीं है, बाकी भी बहुत सारे जो काम हैं गवर्नमेंट के जो काम है वो नेट की वजह से रुके हुए हैं। सो प्लीज शांति बनाए रखिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ श्रुति शर्मा जो कि फेमस सिंगर है, जम्मू के डोगरी सिंगर है, और मैं इस वक्त भी चंडी माता के दरबार में मौजूद हूँ, और हर कोई चाहता है कि चंडी माता के जो है वो दर्शन किए जाएं, और लोग बड़ी मिन्नतों के साथ जो है माता के दरबार में पहुंचते हैं, चंडी माता के दरबार में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। और
और हमारी भी यही कोशिश थी कि जिस तरह से नवरात्रे चल रहे और नवरात्रों में आपको माता रानी के दर्शन करवाए जाए, और पहले नवरात्र थे, ये हमारी कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और आज सातवां नवरात्रा था और आज यही कोशिश थी कि सिंगर से, फीमेल सिंगर से आपको रूबरू कराया जाए और कुछ दो तीन भेंट जो है वो आपकी आपको जो है वो सुनाई जाए। और उसी के साथ साथ इन्होंने भी एक ही अपील की कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आप धीरे धीरे हालात पूरी तरह से सामान्य होने की कगार पर हैं, और अपील कर रहे हैं ये भी कि अमन, भाईचारा और शांति जो है वो जम्मू कश्मीर में बनी रहे और आने वाला वक्त जो जम्मू कश्मीर का हो वो एक बेहतरीन और शानदार हो। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया।